चिलवाताल थाना क्षेत्र के बंजरहा के पास फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट करने के दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, तमंचा, कारतूस के साथ ही लूटा गया 40,000 रुपया बरामद कर लिया है। आरोपितों की पहचान चिलवाताल के बालापार औरैया निवासी विपिन कुमार मौर्य और चिलवाताल के गुरुनगर निवासी शिव प्रताप के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे और एसपी क्राइम ने पकड़े गए बदमाशों के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र के गौराचौर निवासी संतोष यादव पुत्र रमाशंकर यादव भारत फाइनेंस कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। कंपनी का स्थानीय ऑफिस पीपीगंज और मुख्यालय हैदराबाद में है। 11 सितंबर को संतोष यादव चिलवाताल के मजनू चौकी अंतर्गत बंजरहा से कलेक्शन कर अपनी बाइक से उसका गांव जा रहे थे। बंजरहा गांव के बाहर बांध पर दोपहर 12 बजे पहुंचने पर पहले से घात लगाकर खड़े एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोका, पीट कर नीचे गिराने के बाद बाइक की चाबी लेकर डिग्गी खोली और उसमें रखा कलेक्शन का 1,40,000 रुपये, फिंगरप्रिंट मशीन, टैबलेट आदि लूट कर डोहरिया बाजार की ओर फरार हो गए थे। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही थी कि इसी बीच इंस्पेक्टर चिलवाताल नीरज राय को मुखबिर के जरिए दो बदमाशों के चिलवाताल में होने की सूचना मिली। मोबाइल टीम की मदद से इंस्पेक्टर फोर्स के साथ पहुंच गए और आरोपितों को जगतबेला के पास से दबोच लिया। दोनों ने घटना करने की बात कबूल कर ली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये जैसे कि आप लोग अवगत हैं 11/9 को दोपहर 12 बजे चिलवाताल में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से तकरीबन 93,000 रुपये लूटे गए थे। उस घटना से संबंधित दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आज सफलता प्राप्त हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और असले भी बरामद किए गए हैं और लूटे गए रुपये में से 40,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास जो अभी खुजवाया जा रहा है, अभी कोई आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। इसके अलावा क्या कार्य करते हैं? इसके अलावा तो एक जो है दुकान करना बताता है और एक जो है बेरोजगारी है, इधर उधर के काम करता है, कोई काम धंधा है नहीं इनके पास। सर कहाँ से गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी चिलवाताल थाना अंतर्गत की गई है।